देख लीजिए, आज हम आपके लिए लेके आए हैं अकीता के पप्पी, जो कि बहुत ही शानदार क्वालिटी में बच्चे अवेलेबल है विथ केसीआई पेपर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम आपको सारी डिटेल्स देंगे पप्पी के रिगार्डिंग कि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट क्या हो सकती है और ये किस कंट्री की ब्रीड है। बहुत लोग इसके रिगार्डिंग कन्फ्यूजन में है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी डिटेल्स दी जाएगी। कृपया डॉग ब्रीड ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ऑफर और अपडेट प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें। हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो देख लीजिए, आज हम आपके लिए लेके आए शानदार क्वालिटी में अकीता की पप्पी विद केसीआई पेपर है। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के लिए बच्चे लेके आते हैं। तो जो इस बच्चे की लोकेशन है वो है नासिक, और शिपिंग हो जाएगी बच्चों की ऑल ओवर इंडिया। तो इन बच्चों की मैं डिटेल्स थोड़ी और दे दूं, तो प्लीज़ आप एक बार इनकी प्राइस गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा और बाकी लोगों से भी पूछ लीजिएगा। उन सभी लोगों से कम प्राइस में हम ये बच्चा आपको प्रोवाइड करा देंगे विद केसीआई पेपर, क्योंकि एक्चुअली मैं आपको बता दूँ ये बच्चे आपको 20-25-30 हज़ार के अंदर में नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये विथ केसीआई पेपर मिलेगा और अकीता प्राइस पप्पी का प्राइस वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप कॉल कर एक बार गूगल कर लीजिएगा, गूगल करके आप हमें कॉल करिएगा, उससे कम प्राइस में हम आपको ये बच्चा प्रोवाइड करा देंगे। इसके अलावा भी अगर आपका बजट कम है तो हमारे पास बहुत सारे पप्पी और अवेलेबल हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। देख लीजिए, हमारे पास लेबराडोर की पप्पी अवेलेबल है, ये पप्पी भी विथ केसीआई पेपर अवेलेबल है, बहुत ही शानदार क्वालिटी में ये बच्चे भी हैं। रॉटवीलर की पप्पी अवेलेबल है विथ केसीआई पेपर एंड विदाउट केसीआई पेपर, दोनों ही तरीके से बच्चे आपको मिल जाएंगे, तो जैसे भी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। रॉटवीलर के अलावा भी मैं दिखा दूँ आपको, हमारे पास जर्मन शेपर्ड की पप्पी अवेलेबल, तो इन सब के रिगार्डिंग में आप हमें कॉल करके बुक करा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। भाई बताएंगे, बात बताओ। इट्स अ गुड डॉग, इट्स अ गुड डॉग, अच्छा है पपी, हेल्दी दिखा मैं उसको, एंड सीम्स टू बी रियली गुड। अभी इसको 65 डेज है, सो अभी हमें इनका चैनल यूट्यूब से देखा था, और जब मैंने देखा तो इनके पास जो भी ब्रीड थे डॉग के, जैसे सेंट बर्नार्ड हो गया, जर्मन शेपर्ड हो गया, सब एकदम परफेक्ट था। मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट में इन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ब्रीड्स है यहाँ पे, इतना डेज में मिल जाएगा और एडवांस जितना देना है, उस हिसाब से मैंने इनके पास सिक्योरिटी लिया, सब किया, और फिर बाद में मैंने डॉग दिया। मैंने तब इनको बोला था कि अगर मेरा डॉग्स अगर अच्छा नहीं रहा तो मैं आपको रिटर्न दे दूंगा, लेकिन मुझे अभी देख के बहुत अच्छा लगा, तो आई एम सेटिस्फाइड विद इट। ओके, शानदार लगा। मैंने इनके चैनल में मुझे बहुत सारे डॉग्स देख रहा था और इनके डॉग पपीज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, तो मैंने इनको कॉल किया, कॉन्टैक्ट किया, मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरा बजट है और मुझे ऐसे ऐसे डॉग चाहिए। तो भैया ने मुझे कम से कम 20 बच्चे तो बताया ही, लेकिन 18 से 20 बच्चे बताए, और बहुत